हाँ जी मेरे बहन भाइयों, कैसे हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जी हम आलू की टिक्कियां बनाएंगे। ये जी हमारे 3 अदद प्याज है, ये हमारे आलू उबले हुए हैं, तो ये अभी हम उनके ऊपर से छिलका उतारेंगे। तो ये है सूखा धनिया, ये आज साबत मसाल जीरा, ये लाल मिर्च, ये नमक और ये जवैन। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। अभी हम आलू को छीलते हैं तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जी हमने आलू को छील लिया, अब हम इनको ऐसे करते हैं, पीसते हैं थोड़ा। ये जी हमने आलू सारे वो कर दिए, पीस दिए। तो ये हमारा प्याज, ये हम सारी चीजें अभी प्याज मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम सारे मसाला जात डालेंगे। ये सारे हमारे मसाले हैं, ये हम इसमें डाल रहे हैं। आज हम टिक्कियां और पकौड़े बनाएंगे, आज हम आलू के चिप्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि आलू की टिक्कियां आज हम बना रहे हैं। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो फिर आपको मैं टिक्कियां बनाना दिखाऊंगी। ये अब देखिए सारा मिक्स हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे साथ वीडियो बनाने वाला नहीं है तो मैं स्टॉप करके तो वो टिक्कियां बनाती हूँ, तो फिर जो है ना आपको दिखाती हूँ। फिर आलू में और प्याज काटूंगी पकौड़ों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो हमने आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं, ठीक है, ये हमने थोड़ा रोल की तरह बनाई है। ठीक है, तो ये हमने गोल टिक्कियाँ बनाई हैं। और ये थी हमारी अजवाइन, सूखा धनिया, नमक और ये हमारा बेसन। इसमें हम टिक्कियों में वाले बेसन में नहीं, हम नमक डालेंगे, मिर्चें। ठीक है जी, अभी हम इसको घोलते हैं। ये जी हमने इसमें पानी डाला है, अब हम इसको घोलते हैं। ये हमारी इस तरह की होगी, तो जो हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है, अभी आपको कढ़ाई भी दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये भी घी गर्म हो रहा है, तो
ये हम टिक्कियां बीच में डाल रहे हैं। चलो जी अब हम देखते हैं इनको उलटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें आलू डाले, थोड़ा सा प्याज डाला, आलू उबाल के तो फिर उसको मैंने छोटे छोटे किए, उसके बाद फिर हमने प्याज काटा, फिर उसके बाद हमने इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, मिर्चें वो डाले, तो फिर उनको सबको गूंद के फिर हमने इनकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाई। उसके बाद फिर हमने ना बेसन के अंदर डाला नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा और अजवाइन, ये हमने डाली। हमने लाल मिर्च भी उसमें डाली क्योंकि हमने तो बेसन उसके ऊपर चढ़ाना था ना, तो इसलिए हमने उसमें नहीं डाली। बस ये लाल हो थोड़ी सी निकालूं फिर आपको दिखाऊं। ये देखें जी हमारी टिक्कियां हो गई तैयार। अब हम दूसरी डालते हैं गोल वाली लंबी वाली। हम आज दो तीन पकौड़े ही बनाएंगे, ये हमने डाली हैं तो